हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अभी जर्नल एंट्रीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न अप्रोच, उसके हिसाब से जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, आज हम उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज़ को करेंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में हमने जर्नल को समझा था, जर्नल एंट्रीज़ को समझा था, जर्नल के फॉर्मेट को देखा, और ट्रेडिशनल अप्रोच जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनके हिसाब से जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं, हमने उसको समझा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एज़ पर मॉडर्न अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को फाइव पार्ट्स में बांटा गया है। वो फाइव पार्ट्स हैं एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिवेन्यू। ये फाइव पार्ट्स हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है हम करेंगे क्रेडिट। सिर्फ पांच पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रख के आपने करना है। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट। एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज अगर हो रही है तो हम करेंगे डेबिट। ये स्टूडेंट्स आप पहले भी कर चुके हो, ये सिर्फ आपको रिवीजन करवाने के लिए हम आपको ये लिख के दे रहा हूँ दोबारा से। कैपिटल सेम, अगर डिक्रीज हो रही हैं तो हम करेंगे डेबिट, और अगर कैपिटल में कोई इंक्रीज है तो हम कर देंगे उसको क्रेडिट। इसी तरह अब आ जाइए रिवेन्यू पे। रिवेन्यू में अगर डिक्रीज है तो हम करेंगे उसको डेबिट, और अगर इंक्रीज है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो ये स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रिवेन्यू के। इसमें आप देखोगे दो चीज़ें कॉमन हैं। ये दो जो अकाउंट्स हैं, इन दोनों अकाउंट्स में इंक्रीज में डेबिट हो रहा है और डिक्रीज में क्रेडिट हो रहा है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ लिखा है। इसके अलावा ये तीनों अकाउंट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रिवेन्यू, इन तीनों में देखिए आप, तीनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं। डिक्रीज है तो डेबिट है और इंक्रीज है तो क्या, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साइड में लिख दिया। एक और तरीके से समझाता हूँ आपको, और सिंपलेस्ट वे में। देखिए एसेट्स अकाउंट अगर इंक्रीज है तो डेबिट, और डिक्रीज है तो क्रेडिट, सिंपल। एक्सपेंस सेम है ऐसे, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। फिर आएगा लायबिलिटी अकाउंट, यहाँ पे इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा, यही इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। और रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू मीन्स इनकम एंड गेन अकाउंट, इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। ये कितना आसान तरीका है देखिए समझने के लिए, मैंने टी फॉर्म में ही आपको बता दिया है। तो ये सिंपल है, इसमें जो स्टेप्स हैं आपको जनरल एंट्रीज के लिए वो सिमिलर ही हैं। आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत आसान है, उसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके हिसाब से आप देखिए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और रूल लगा दीजिए, तो आपकी जनरल एंट्री तैयार है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे ये मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है अपने लिए, तो आप इसको देखिएगा, देखिए इसको,
और हम अभी इसके हम इलस्ट्रेशंस करते हैं, एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस बनाई हैं जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए। हम जर्नल एंट्री बनाएंगे एज़ पर मॉडर्न अप्रोच, जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू के ऊपर बेस है। इसके ऊपर हम जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे, एक एक ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे। फिर हम जर्नल एंट्रीज़ का मैंने परफॉर्मा बनाया है और इस परफॉर्मा के अंदर ही लिखेंगे। थोड़ी सी स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, उम्मीद करूँगा कि आपको ये सब कुछ दिखाई देगा अच्छे से। और इसके अंदर हमने जो बनाया है लेजर फोलियो, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट और रूल भी आप नहीं लिखोगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने आपको रूल्स वाला लिखा है यहाँ पे। तो अब हम एक एक करके जनरल एंट्रीज़ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर हम उसको इस फॉर्मेट के अंदर जनरल एंट्री बनाएंगे। तो हमारी पहली ट्रांजेक्शन्स है, नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 टू स्टार्ट ए बिज़नेस। नितिन ने बिज़नेस स्टार्ट किया ₹50,000 से, कैश से, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश हमारा आया है। और दूसरी क्या, दूसरा अकाउंट क्या है हमारा इसके अंदर, पहला अकाउंट हो गया कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, आप बताइए, इन्वेस्ट स्टार्ट बिजनेस किया है तो क्या इंक्रीज हुआ, कैपिटल, ओनर की कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ₹50,000 से बिज़नेस स्टार्ट किया है, ₹50,000 हम यहाँ लिख देंगे और ₹50,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। बिल्कुल बेसिक एंट्री है, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैश बिज़नेस में आया और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। कैश हमारा क्या है, एसेट्स, रूल मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ ए लिखूँगा एसेट्स के लिए। कैश एसेट्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज होता है तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट है। और कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके नीचे नरेशन लिखनी है, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा अब आगे, आपको एक दफ़े लिख के दे दिया है, आपने हर दफ़े लिखना है, क्योंकि यहाँ मेरे को स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ जनरल एंट्री लिख के दिखाऊंगा आपको। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक, मतलब इस ये ₹50,000 जो उसने बिजनेस में लगाए हैं उसमें से इसने ₹5,000 बैंक में जमा कर दिया है। तो क्या हुआ, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, गया क्या है हमारा, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से है, ₹5,000 से, ₹5,000 बैंक अकाउंट हमारा है एसेट्स और कैश भी एसेट्स है। यहाँ यहाँ एसेट्स इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज एसेट्स हुआ है तो डेबिट, डिक्रीज एसेट्स हुआ है तो क्रेडिट। ये रूल मैंने आपको लिख दिया, ए फॉर एसेट्स है, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी लिखूंगा। तो इंक्रीज हुआ है ना, हमारा बैंक में पैसा आया है, इंक्रीज हुआ है ना, तो डेबिट करेंगे हम, एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। चलिए नरेशंस लिखिएगा आप अपने आप, नरेशंस का मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ। चलिए अब थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000। हरी एंड कंपनी से ₹1,00,000 का गुड्स परचेज किया है। अब परचेज किया है हमने, इसका मतलब कैश तो दिया नहीं है, तो क्या ट्रांजेक्शन्स बनेगी हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट आएगा या गुड्स अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी अकाउंट ₹1,00,000 से। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, यहाँ पे परचेजेस इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेंस हमारा इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है। हरी अकाउंट क्या हुआ हमारे, कि हमारे क्रेडिट आ रहे हैं, तो ये हो गई लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगी,
क्रेडिट होगी। आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमारे पास आया क्या है, सबसे पहले देखिए कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बताइए क्या आएगा, गुड्स अकाउंट सेल्स अकाउंट। मैं बार बार इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप गुड्स में पर गुड्स अकाउंट ना लिखें, आपको परचेज या सेल्स लिखना है, सेल्स अकाउंट। कितने का है, 50,000 का, 50,000 से डेबिट और 50,000 से क्रेडिट किया। फिर देख लीजिए कैश है, कैश आया हमारा, एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और सेल्स अकाउंट हमारा रिवेन्यू अकाउंट है, सेल्स अकाउंट रिवेन्यू अकाउंट है, रिवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी ₹25,000। रमेश एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड किया है, इट मीन्स कैश तो दिया नहीं है उसने, इसने रमेश ने, तो हमारे डेटर्स बन गए हमारे रमेश, मैसर्स रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गुड्स सोल्ड। अगेन मैं दोबारा बार बार लिख रहा हूँ इस चीज़ को, टू सेल्स अकाउंट। कितने का दिया है, 25,000, 25,000। रमेश एंड हमारा डेटर्स हो गए, डेटर्स होते हैं हमारे एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज हुई है, एसेट्स इंक्रीज हुई है तो डेबिट, और हमारा सेल्स है, सेल्स है हमारा रिवेन्यू, रिवेन्यू भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्रेडिट। ये हमारी कितनी एंट्रीज हो गई, देखिए पहली एंट्री हमारी यहाँ क्लोज हुई है, दूसरी ये क्लोज हुई है, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव एंट्रीज। और चले आगे, मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टेड। जो यहाँ पे 25,000 का गुड्स बेचा है वो उसमें से 5,000 का डिफेक्टेड निकला है तो इन्होंने वापस कर दिया है, तो क्या आएगा, अब सेल्स का सेल्स रिटर्न हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, गुड्स वापस आया ना, तो इसको हम गुड्स वापस को क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। आपने यहाँ पे फिर से गुड्स लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे आपके। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कहाँ, किससे आया, टू मैसर्स रमेश, इसी की आपने अपोजिट एंट्री कर दी, यहाँ सेल्स था यहाँ सेल्स रिटर्न हो गया, बस ये हुआ। कितना, 5,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ डेबिट करिए, 5,000 रुपीज़ क्रेडिट करिए। अब देखिए सेल्स रिटर्न क्या था, सेल्स अकाउंट हमारा रिवेन्यू था, अब रिवेन्यू हमारा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, ठीक है ना। और ये हमारे कौन थे, डेटर्स थे, डेटर्स हमारे होते हैं एसेट्स, एसेट्स से एसेट्स भी डिक्रीज हुए हैं, एसेट्स डिक्रीज हुए हैं तो ये होते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो मेरा ख्याल से इन ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हर तरह के ट्रांजैक्शंस लेके आऊँगा आपके पास। तो अभी आप ये 6 ट्रांजैक्शंस देखिए, नोट कर लीजिए इनको, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर मैं अभी इसको रब करके दूसरी ट्रांजैक्शंस लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए और ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ विद न्यू फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट। आपने इसमें हम समझेंगे और इसको फिल करेंगे जर्नल एंट्रीज को। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी 7th ट्रांजैक्शन की तरफ, पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। सैलरी दी है स्टाफ को चेक के थ्रू, कुछ भी नहीं है ये एंट्री, सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश तो है नहीं, चेक दिया है तो फिर टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितना, 15,000 रुपीज़ से है, 15,000 रुपीज़। सैलरी हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं,
और बैंक हमारा एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट हमारा डिक्रीज हुआ है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट की तरफ चलें। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन कैश रुपीज़ 1000 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी सैलरी की तरह ही है। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश दिया है तो हमारा कैश तो गया ना, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से। डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज सिमिलर, जैसे सैलरी है इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और कैश अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इजी लग रहा है ना? और आगे चलते हैं। चलिए, कैश सेल फॉर द मंथ रुपीज़ 8000, कैश सेल हुआ है इस महीने का 8000 रुपीज़ से, तो क्या आया हमारे पास कैश? तो आया है हमारे पास कैश, अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। और यहाँ मैंने आपके से गुड्स नहीं लिखा है, सेल लिखा है, तो आपको सेल्स अकाउंट ही कर देना है। टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपीज़, और 8000 रुपीज़ कैश अकाउंट हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है डेबिट। सेल्स अकाउंट हमारा रिवेन्यू अकाउंट है, सेल भी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट। तो एक हमारी एंट्री ये हो गई, तीन एंट्री हमने और कर ली। टेंथ एंट्री, नितिन विड्रॉ रुपीज़ 10000 फॉर पर्सनल यूज़। नितिन ने पर्सनल यूज़ के लिए 10000, प्रोप्राइटर है नितिन पे, तो विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड होता है, लेकिन हम लिखते हैं क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिया है ना, तो कैश। अगर वो 10000 का गुड्स लेता इक्विवेलेंट तो क्या लिखते आप, गुड्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब इन्होंने कैश लिया है तो हमने कैश ही लिख दिया। टेन थाउजेंड रुपीज ड्राइंग्स हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल हमारी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और कैश, कैश एसेट्स है, एसेट्स भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि कैश लेके गया है, डिक्रीज होते हैं तो हम एसेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने कोशिश करी है कि सारी ट्रांजैक्शंस आपको आ जाएं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कवर कर रहा हूं मैं। प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स वर विद मैसर्स अभी ऑफ ₹2,00,000, पेड ₹20,000 एज एडवांस बाय चेक। हमने एक 2,00,000 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया कुछ खरीदने के लिए अभी एंड अभी को, मैसर्स अभी को, लेकिन अभी हमने एडवांस के तौर पे ₹20,000 दे दिए। देखिए, हमने कैश बाय चेक दिया है तो हमारा टू तो समझ में आ रहा होगा आपको, टू बैंक अकाउंट, इतना तो मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया। 20,000 से क्योंकि हमारा गया है। अब बताइए डेबिट आप किसको करोगे और कितने अमाउंट को करोगे। देखिए, हमारा ये अकाउंटिंग है अक्रूवल बेस पे होती है। अक्रूवल में अभी हमने सिर्फ एडवांस दिया है, ना तो हमें गुड्स मिला, और हमने एडवांस दिया है अभी को। अगर हम एडवांस किसी पार्टी को देते हैं तो क्या होता है हमारा, वो भी तो एसेट्स होती है तो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर इसका, मैसर्स अभी अकाउंट डेबिट। 2,00,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ से चेक दिया है एज एन एडवांस, टोकन ऑफ एडवांस बस। 20,000 रुपीज डेबिट और 20,000 रुपीज क्रेडिट। हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए थे, एडवांस दिए थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो हमारी एसेट्स थी ना, तो यहाँ अभी हमारा क्या है, एसेट्स है क्योंकि हमने एडवांस दिया है, और एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है
तो क्या होगा, डेबिट। और क्योंकि कैश बैंक से दिया है, चेक से दिया है, तो ये भी एसेट्स है हमारी, यहाँ पे एसेट्स हमारी डिक्रीज हुई है, तो ये क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका रिवर्स किया मैंने, रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मैसर्स अजय ऑफ रुपीज़ 3 लैक्स विद ए चेक ऑफ रुपीज़ 30,000 एज एडवांस। मैसर्स अजय ने 3 लाख का हमें ऑर्डर दिया और साथ में 30,000 का एक चेक भी साथ में दे दिया। अभी हमने उनको गुड सप्लाई नहीं किया है, उन्होंने हमें एडवांस दे दिया। अगर कोई हमको एडवांस देता है तो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 30,000 का चेक भी दे दिया है। तो इतना तो मुझे मालूम है, आपको पता लग गया होगा कि बैंक अकाउंट जो आया है, बैंक अकाउंट को तो आप डेबिट कर दोगे। अगेन हमारी लायबिलिटी हो गई है क्योंकि हमें एडवांस में मिल चुका है, तो हम अजय को, मैसर्स अजय को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 30,000 से, 30,000। क्यों किया हमने क्रेडिट अजय को, क्योंकि अजय जो थी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगा क्रेडिट। और यहाँ हमारा एसेट्स है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये होगा डेबिट। उम्मीद करता हूँ दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। दोबारा से बता रहा हूँ, इस केस में हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है और सिर्फ एज ए टोकन हमने 20,000 का चेक दे दिया है और 2 लाख रुपये का हमने गुड्स परचेज करना है अभी से, तो हमारे लिए ये एसेट्स बन जाती है क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट किया हुआ है। और नीचे वाले केस में इसके कॉन्ट्रेरी, अजय ने हमको दिया है 3 लाख रुपये का ऑर्डर दिया है और 30,000 का एक चेक दे दिया है एज ए टोकन, तो ये जो एडवांस मिला है ये हमारे को फिर से लायबिलिटी है ना। अभी गुड्स ना हमने मिला, ना इस केस में हमने गुड्स दिया। सिंपल से आपने 4-5 टर्म्स जो आपको अकाउंट्स बताए हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनके रूल आपने याद कर लिए तो बिल्कुल आपके लिए कुछ भी नहीं है जनरल एंट्रीज। खैर मैं अभी जनरल एंट्रीज के ऊपर बहुत कुछ करवाऊंगा आपको, काफ़ी सारी एंट्रीज मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करवाई हैं, मॉडर्न अप्रोच ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसके बाद हम और करेंगे, अभी इसमें GST इन्वॉल्व नहीं है। मैं कल जो वीडियो लेके आऊँगा वो आपको GST के साथ में लेके आएंगे कि GST इनपुट और आउटपुट की क्या एंट्रीज इसके अंदर होंगी। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करिए और समझिए अच्छे से। और हाँ, मैंने यहाँ पे बीइंग द नहीं लिखा है, हर एक में लिखना है आपने। अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो आपने तो नरेशन लिखनी ही है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे आपके। तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस करिए फॉर्मेट के साथ में, और मैं आपके लिए कल एक नया वीडियो लेके आता हूँ GST के साथ में, जर्नल एंट्रीज विद GST। चलिए, थैंक यू।